नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का इंडियन आर्मी के लिए प्यार और जुनून किस हद तक है ये बताने की जरूरत नहीं है। वो देश के जवानों की मदद करने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। अभी इसी साल 14 फरवरी को जब दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा था, तो आनंद महिंद्रा ने 14 फरवरी को ही पुलवामा के शहीदों को गुलाब के फूल के साथ सैल्यूट करने का अभियान चलाया था। सेना के प्रति आनंद महिंद्रा का यह प्यार ही है कि जब उनकी नजर इंडियन आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर पर पड़ी तो महिंद्रा इसे शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि एक तो चिनूक आर्मी का हेलीकॉप्टर था, दूसरी बात जिस ट्रैक्टर को चिनूक ने एयरलिफ्ट किया हुआ था वो आनंद महिंद्रा की ही कंपनी का था। यही वजह है कि आनंद ने इस बेहतरीन तस्वीर को शेयर भी किया है। दरअसल महिंद्रा ट्रैक्टर्स के ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे ताकतवर चिनूक हेलीकॉप्टर महिंद्रा ट्रैक्टर को किसी तिनके की तरह उठाकर हवा में उड़ान भर रहा है और कुछ ही देर बाद ट्रैक्टर को 11,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। इन तस्वीरों पर महिंद्रा ट्रैक्टर्स के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि टफ फ्लाइट, 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाने का सपना देखने का साहस केवल महिंद्रा ट्रैक्टर ही कर सकता है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है? महिंद्रा ट्रैक्टर के इस सवाल पर अनुपम सौरभ नाम के ट्विटर यूजर ने बताया कि ये जगह देवभूमि उत्तराखंड का केदारनाथ है। सुनील नेगी नाम के ट्विटर यूजर ने बताया कि पहली तस्वीर उत्तराखंड के गौचर की है जो उनका गांव भी है, जबकि दूसरी तस्वीर केदारनाथ की है। इसी पोस्ट पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर कहा, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, हमारे आर्काइव के लिए इससे बेहतरीन तस्वीर क्या हो सकती है, हम हमेशा आगे रहते हैं। आनंद महिंद्रा ने जैसे ही ये तस्वीर शेयर की एक ट्विटर यूजर ने लिखा, महिंद्रा नाम ही काफी है, जब मेरे पास पैसा होगा सबसे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो लूंगा। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, आप एविएशन में ट्राई क्यों नहीं करते, ये देखकर अच्छा लगेगा कि हेलीकॉप्टर भी महिंद्रा का है। आशु नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ग्रेट पिक, महिंद्रा इक्विपमेंट सर्विंग एट फ्रंट लाइन एंड हेल्पिंग इन डिफेंस ऑफ नेशन एंड इट्स पीपल, थैंक यू महिंद्रा एंड महिंद्रा। बता दें आनंद महिंद्रा ने चिनूक की जो तस्वीरें शेयर की हैं वो शनिवार की हैं, जब मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक 6 टन वजनी पार्ट्स लेकर केदारनाथ पहुंचा था। इससे पहले चिनूक ने शुक्रवार को 3-3 टन भार के साथ केदारनाथ के 2 राउंड लगाए थे। उसने गौचर हवाई पट्टी से पहली उड़ान सुबह 9 बजे और दूसरी 11 बजे भरी। चिनूक अब तक मशीनों के 20 टन वजनी पार्ट्स केदारनाथ पहुंचा चुका है। इनमें डंपर, जेसीबी, ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन थे। सभी मशीनें केदारनाथ पहुंचाकर चिनूक चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। 2019 में हुआ था सेना के बेड़े में शामिल। चिनूक हेलीकॉप्टर को भारत ने अमेरिका से खरीदा है, जिसे साल 2019 में ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर से सेना ऊंचे ऊंचे और दुर्गम स्थानों तक भारी भरकम सामान ले जाने की ताकत रखता है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अभी तक 19 देशों की सेनाएं कर रही हैं। इससे न सिर्फ सेना को युद्ध से जुड़े हथियारों को ले जाने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके जरिए प्राकृतिक आपदा के दौरान चलने वाले सैन्य अभियानों में भी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने और राहत सामग्री जुटाने में मदद मिलेगी। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 8 टन का वजन उठा सकता है।